थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको आइसक्रीम का बेस बनाना बताया था कि कितनी आसानी से हम घर पर आइसक्रीम का बेस बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी तरह से ये बेस सेट हो चुका है। आप देखिए, इस पॉट के बिल्कुल नीचे 1/4 हिस्से में ये बेस है। आज मैं आपको आइसक्रीम बेस को आइसक्रीम मशीन के द्वारा फेटना बता रही हूँ, और इस तरह से हम इसे फेटेंगे कि ये जो 1/4 हिस्सा दिख रहा है वो हमारे पॉट के ऊपर तक आ जाएगा। डेढ़ गुना आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार होगी। चलिए फ्रेंड्स, हम सही तरीका बताते हैं इसे फेटने का। आइसक्रीम को डबल करने का या तीन गुना करने का तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले जो हमारा आइसक्रीम का बेस है वो बिल्कुल सॉलिड जमा होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छी तरह से दबा रही हूँ, ये दब नहीं रहा है, इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह से जम चुका है। ये देखें, अब सबसे पहले फेटने से पहले फेटने के ही समय इसे फ्रीजर से निकालें। सबसे पहली बात है कि इसे फेटने के ठीक पहले फ्रीजर से निकालें ताकि ये बिल्कुल भी मेल्ट ना होने पाए। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, कि नाइफ से कट का निशान लगाएं। इसका कारण ये है कि हमारी मशीन के ऊपर हमारे मशीन के जो ब्लेड्स हैं ये खराब ना होने पाए, इसलिए मैं इस तरह से कट का निशान लगवाती हूँ ताकि हमें फेटने में भी आसानी हो। ये देखिए फ्रेंड्स, और इतना ही ठोस जमा हुआ, सॉलिड जमा हुआ हमारा आइसक्रीम का बेस होना चाहिए, तो ही हमारी आइसक्रीम जस्ट डबल होगी, डबल से भी ज्यादा होगी। आप इस पॉट का देख लीजिए फ्रेंड्स, 1/4 हिस्सा है। अभी मैं आपको इसको पूरा ऊपर करके दिखाती हूँ। इसका कारण है GMS पाउडर, जो कि हमारी आइसक्रीम को डबल करता है, डबल वॉल्यूम देता है, सॉफ्ट और क्रीमी करता है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको, जैसा कि मशीन के बारे में बता चुकी हूँ, हम सबसे पहले इसे लो स्पीड में फेटेंगे, उसके बाद मीडियम में आएंगे, और सबसे आखिरी में मैं इसे हाई स्पीड में फेटूंगी। टर्बो बटन का यूज हम सबसे एंड में करेंगे, वो आखिरी में ही इसका यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, इतने ही सॉलिड पोजीशन में हमारा आइसक्रीम का बेस होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि आइसक्रीम का बेस बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, इस बर्तन के पूरे ऊपर तक आ जाएगा और पूरा व्हाइट हो जाएगा। इसे हमें 10 मिनट तक के फेटना है। इसका मतलब ये नहीं कि लगातार 10 मिनट फेटे, 3-4 मिनट हम लगातार फेटे, 5-6 सेकेंड का हम इसे ब्रेक देंगे ताकि हमारी मशीन गर्म ना होने पाए, उसके बाद हम फिर फेटेंगे। इस तरह हमें 10 से 12 मिनट तक के लगातार फेटना है, और फेटने के बाद जब हमें लगे कि हमारी आइसक्रीम बिल्कुल ऊपर आ चुकी है, उसके बाद हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। आप देख रहे होंगे मैंने 100 ग्राम घर की फ्रेश मलाई ली है। यदि आपके पास मलाई नहीं है तो आप अमूल की फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। फ्रेश क्रीम भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। 100 ग्राम मलाई की जगह आपको आधा कप, हाफ कप मिल्क पाउडर यूज करना है। ये तीनों में से एक चीज लेना फ्रेंड्स, या मिल्क पाउडर लीजिए, या मलाई लीजिए, या फ्रेश अमूल क्रीम लीजिए। देख रहे होंगे सिर्फ ऊपर की लेयर ही फिटी है, कितनी वाइट होने लगी है। अभी आप देखेंगे ये पॉट हमारा पूरा फुल हो जाएगा, थोड़ी सी भी नीचे की सॉलिड है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे फेटने में हमें टाइम लगेगा, पर 1-2 मिनट, कुछ सेकंड का ब्रेक हम मशीन को दे देंगे, नहीं तो हमारी मशीन की मोटर गर्म हो जाएगी। दूसरी बात फ्रेंड्स ये बताना है, यदि आपको फेटने में छोटे बर्तन में परेशानी हो रही है, इस तरह से लंबे कंटेनर का यूज करें। इसके अंदर भी हम आइसक्रीम के बैटर को रख सकते हैं, और इस तरह से भी हम इसे फेट के आराम से हम इसमें फेट सकते हैं, तो बिल्कुल भी छींटे नहीं उड़ेंगे। पर अभी मैं आपको इसी में ही बता रही हूँ। सबसे पहले हम इसे लो स्पीड में ही फेट रहे हैं। ये देखिए, अभी मैं लो में रख रही हूँ, थोड़ी देर के बाद 5-7 मिनट के बाद मैं इसे मीडियम स्पीड में लाऊंगी, और आखिरी में हाई में लाऊंगी, और सबसे एंड में रखते समय हम इसे टर्बो बटन से हमारी आइसक्रीम बहुत ही फ्लफी हो जाती है और बहुत ही क्रीमी हो जाती है। चलिए, इसे फेटते हुए 5
से 7 मिनट हो गए हैं, अभी इसे हमें 3-4 मिनट और फेंटना। आप देखिए फ्रेंड्स कितनी क्रीमी और कितनी वाइट हमारी आइसक्रीम का बेस तैयार हो रहा है। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं शिखास किचन जो मेरा चैनल है कि हमारी आइसक्रीम का बेस डबल नहीं होता है। डबल नहीं होने का कारण है कि आप उसे 10 मिनट तक के फेंटते नहीं हैं। आप शिखास किचन में प्लीज आइसक्रीम बेस का वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंटना बताया है। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम इसे 3-4 मिनट और फेंटेंगे। हम सुरक्षित है। अब मैं इसे वापस हाई स्पीड पे फेंट रही हूं। ये देखिए फ्रेंड्स पूरे बर्तन के ऊपर तक के हमारे आइसक्रीम का बेस आ चुका है। आप देख रहे होंगे कितनी क्रीमी आइसक्रीम। अब सबसे लास्ट में हम 100 ग्राम मलाई 1/2 लीटर मिल्क में हमें ऐड करना है, नहीं तो आप मिल्क पाउडर यूज करिए या अमूल की व्हिप्ड क्रीम यूज करिए। अब हम इसमें मलाई डालेंगे। मलाई डालने के बाद हमें बहुत देर नहीं फेंटना है, नहीं तो हमारी मलाई का मक्खन जम जाएगा। अब हम इसे 2-3 मिनट और फेंटेंगे और आखिरी में हम इसमें टर्बो बटन का यूज करेंगे। हिस्सा था हमारे आइसक्रीम का बेस, पूरा बर्तन हमारा फुल हो चुका है। अब आप लोग भी इसी तरह से फेंटिए। मैंने आज आपको फेंट के बता दिया है कि इसे फेंटना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी हमारी आइसक्रीम सॉफ्ट क्रीमी। आप देखिए फ्रेंड्स कितनी सॉफ्ट कितनी क्रीमी। 1/2 लीटर से मैंने 1.5 लीटर आइसक्रीम तैयार की है। ये आइसक्रीम का बेस आप भी तैयार कर सकते हैं और अब इसमें आप अपने पसंद का कोई भी एसेंस ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप वेनिला आइसक्रीम बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी एसेंस या इमल्शन डाल के स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना सकते हैं, पाइनएप्पल आइसक्रीम बना सकते हैं। ये आपका आइसक्रीम का बेस बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे फ्रीजर में सेट होने रख रही हूँ। इसे सेट होने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। यदि दोस्तों आपको आइसक्रीम की जल्दी है या आइसक्रीम बेस हम जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो आप इसे एल्यूमिनियम के पॉट में जमाइए। एल्यूमिनियम के पॉट में आइसक्रीम हमारी बहुत जल्दी जमकर तैयार होती है और फ्रीज का टेम्परेचर भी आप हाई कर दें, उसके बाद फिर भले लो कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 1/2 लीटर से 1.5 लीटर आइसक्रीम का बेस बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने प्लेन रखा है और मैं आगे की रेसिपीज आपको इसे देने वाली हूँ शिखास किचन में। आइसक्रीम को मशीन के द्वारा फेंटने की ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे नए चैनल टिप्स थिएटर को के वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर करें।